हमारी बॉडी किससे बनती है? आप में से कोई अगर वो वाली घड़ी पहनता है जिस पे पल्स और वो सब दिखाई देता है, तो सिर्फ देखना, थोड़े दिन भी थोड़ा सा ऐसे परेशान हो, वो आपको इमिजिएटली कुछ कहने लगेगा। आप यहाँ देखना, 3 दिन में वो आपको अलग फिगर देगा। फिर यहाँ भी आप मेडिटेशन रूम में जाकर बैठ जाओ 10 मिनट, वो आपको एक अलग फिगर देगा। क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से नहीं बनता है, हमारे शरीर पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक भाई आए, उनको एक मेडिकल हेल्थ इशू चल रहा था और उसमें भी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। तो उन्होंने कहा, इस बात को 2 महीने हो गए थे, उन्होंने कहा अभी तक भी मुझे जब वो बात सिर्फ याद आती है, बात तो फिनिश हो गई है, अभी तक भी मुझे सिर्फ बात जब याद आती है तो आई कैन सी ऑन माई वॉच दैट माई पल्स हैज चेंज्ड। सी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट होता है। इसीलिए हमें यहाँ बातें आएंगी, कलयुग का अंतिम समय मतलब बड़ी बड़ी बातें आएंगी, छोटी छोटी नहीं आती हैं, एंड इट्स ओके। लेकिन पावर मेरी बातों पर नहीं है, मेरी पावर कहाँ है? उस बातों में इसको ठीक रखना है। क्योंकि अगर मैंने इसको ठीक नहीं रखा तो इस पर भी असर आ जाता है, और अगर इस पे और इस पे असर आता है फिर मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगती है, हम इरिटेबल होने लगते हैं, हम चिड़चिड़ापन लाते हैं, तो सारी चीज़ों पर असर आता है। तो जब बात में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को एक ही रखना चाहिए बात में। लेकिन हम उस प्रॉब्लम को कहाँ कहाँ लेकर आते हैं, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। सो दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब बात है, लेकिन हमारा माइंड बात पर डिपेंडेंट नहीं है। है हमारा माइंड बात पर डिपेंडेंट? क्या हमारा माइंड बातों पर डिपेंडेंट है? हु इज़ क्रिएटिंग? जो यहाँ चल रहा है, एक एक थॉट चल रही है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं या सिचुएशन एंड सराउंडिंग्स एंड पीपल्स बिहेवियर? चलो, कौन किस किस को लगता है हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब द माइंड इज़ क्रिएटिंग? तो किसको लग रहा है सिचुएशंस हमारी थॉट्स क्रिएट करते हैं, और किसको लगता है दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं? ये कैसे एक्स्ट्रा हाथ कैसे आ गए सडनली? क्योंकि ये इजियर ऑप्शन है। हाँ, थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा सिचुएशन, राइट? अभी इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लाइफ है, ये हर सीन में यूज होने वाली इक्वेशन है। जैसे जब हम स्कूल कॉलेज के लिए पढ़ते थे, इक्वेशंस याद करते थे, प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है ना, प्रॉब्लम थोड़ी पता है पेपर में कौन से आने वाली है, लेकिन ये पता है कि अगर इक्वेशन लिख दे आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इक्वेशन गलत लिखी तो फिर तो कितने भी सप्लीमेंट्स लेते रहो उसके बाद। हम घर आके बोलते थे मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आज मैंने 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी लिए उसके बाद, और नंबर तो उसने जितने आए नहीं किसी भी एंगल से, क्योंकि मेरा फर्स्ट इक्वेशन ही रॉन्ग था। तो हम जिस इक्वेशन से आज जीवन जी रहे हैं, हमारी वोकैबुलरी क्या कहती है? आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, उंगली कहाँ जाती है? आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, रखो रखो रखो, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ, मतलब एवरीथिंग दैट इज हियर इज बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड। ये हमारी भाषा बन गई है, और ये इतनी स्ट्रांग भाषा बन गई है कि वो हमारी लाइफ की इक्वेशन बन गई है, और हम उस इक्वेशन के थ्रू ही जीवन जीते हैं कि एवरीथिंग दैट आई एम फीलिंग हियर इज बिकॉज ऑफ। बच्चों को बड़े प्यार से देखते कहते हम आपको बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए चिंता करते, तो चिंता बिकॉज ऑफ, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ यू। इसका मतलब ये किस पर डिपेंडेंट हो गया? ये किस पर डिपेंडेंट हो गया? उस पर। जैसे ही डिपेंडेंसी आएगी तो शक्ति क्या हो जाएगी? अगर फिजिकली आज हम आराम से चल रहे हैं लेकिन कल हमें यहाँ से यहाँ उतरने के लिए हाथ पकड़ना पड़े, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए डंडा पकड़ना पड़े, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ There's something not right. मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें पता होता है चलो कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मल बोल दें,
कि डंडा पकड़ के चलना तो नॉर्मल है, ये ही मेरा नॉर्मल है, तो फिर हमने उस डंडे को कभी छोड़ना ही नहीं, क्योंकि हमने कहा ये नॉर्मल है। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ? मेरा एंगर कौन क्रिएट करता है? तो लेट्स लुक एट इट। ये लेफ्ट हैंड पे सिचुएशन है, राइट हैंड पे मेरा रिस्पॉन्स है। अगर सिचुएशन मेरा रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही होती, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एनी अदर रिस्पॉन्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी सिचुएशन में अगर पांच लोग हैं तो पांचों का रिस्पॉन्स भी एक जैसा ही होगा, क्योंकि कौन रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है? सिचुएशन रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है। आज तो उसी सिचुएशन अगर घर में आ जाए तो घर के चार लोग भी अलग अलग तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, होता है या नहीं होता? कभी कभी तो उस बात पर भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दो लोग अलग अलग तरह क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्योंकि एक जना कहता है इतनी बड़ी बात है, ये पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। सामने वाला कहता है भाई रिलैक्स रिलैक्स, इतनी बड़ी कोई बात है नहीं ये। फिर उस पर झगड़ा होता है, आपको ये बात छोटी लगती है? तो वो कहता है आपको इतनी बड़ी क्यों लग रही है ये बात, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि बात तो वही है, किसी को वो बड़ी और किसी को वो छोटी, और किसी को तो वो कोई बात ही नहीं लग रही है कि भाई ठीक है ना, क्रॉस हो जाएगी। तो बात का साइज कौन डिसाइड कर रहा है? हु इज डिसाइडिंग सिचुएशन का साइज? कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड कर रहा है? हम, बेस्ड ऑन किसको वो बात बड़ी लगेगी, किसी को वो बात छोटी लगेगी, बेस्ड ऑन पावर। यहाँ की पावर, जिसकी जब पावर कम होगी हम छोटी बात में भी रिएक्ट करेंगे। किसी और के साथ भी पावर नहीं कंपेयर करो, अपने साथ ही अपनी पावर कंपेयर करो। एक दिन आप ऑफिस में गए, उस दिन आपका माइंड बड़ा हैप्पी माइंड है, और उस दिन कोई सिचुएशन आई तो आप उस सिचुएशन को कैसे क्रॉस करेंगे? हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ आज। और जिस दिन हम घर से ही थोड़ा डिस्टर्ब्ड निकले, उस दिन तो टेबल पे एक दाग भी अगर दिख गया तो चार डांट पड़ेगी सामने वाले को। तो मेरा रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट है? सिचुएशन पर या मुझ पर? सिचुएशन पर या मुझ पर? इसको कहा जाता है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट। मैं किस पर निर्भर हूँ? आत्मा सिर्फ यहाँ। तो आज सबसे पहली इक्वेशन, हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड फीलिंग्स? आई। ये सच तो पता है, लेकिन आज से भाषा चेंज। ये नहीं बोलना है उसकी वजह से, उस बात की वजह से, नहीं। बात बात है, लेकिन यहाँ क्या क्रिएट करना है वो किसकी चॉइस है? वो मेरी चॉइस है। तो मेरा एंगर किसने क्रिएट किया? मेरा एंगर किसने क्रिएट किया? उंगली रखो उस पर। मेरा एंगर किसने क्रिएट किया? आए। मेरी चिंता किसने क्रिएट की? आए। हर्ट किसने किया मुझे? हर्ट भी आई ने किया, उन्होंने नहीं किया। हर्ट उन्होंने किया या आई ने किया? इंसल्ट उन्होंने किया या आई ने किया? देख लो वापस जाके भी, यही बोलना है, सोच के बोलना है, कौन करता है हर्ट मुझे? हर्ट किसने किया मुझे? कोई आता है चार लोगों के सामने, अब शब छ इतना बोल के चला जाता है, कोई मेरे पीठ पीछे इतना कुछ फैला देता है, कोई मुझे नीचे गिराने के इंटेंशन से बहुत कुछ कर देता है, हर्ट किसने किया मुझे? हमेशा दोनों की पावर पता होनी चाहिए, एक उनकी पावर और एक हमारी पावर। उनकी कितनी पावर है? उनकी बहुत पावर है। वो क्या क्या कर सकते हैं? वो हमें झूठ बोल सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो हमें बिट्रे कर सकते हैं, वो हमारे बारे में गलत फैला सकते हैं, वो हमारे बारे में सोशल मीडिया पे वीडियो बना के भी डाल सकते हैं। और बताओ, अब तो मीडिया भी है सबके पास, वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाहर हो सकता है। दे कैन डू एवरीथिंग, लेकिन एक ही जगह है वो, जहाँ घुस नहीं सकते हैं। कहाँ घुस नहीं सकते? लेकिन हमने उधर ही बोल दिया दे हर्ट मी, और जैसे ही मैंने कहा दे हर्ट मी, मैंने यहाँ की पावर भी किसको दे दी? उनको दे दी। और अब हम उनकी तरफ देखते रहे, आप बदलेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी, आप सॉरी बोलेंगे तो मेरा मूड ठीक होगा। तो हमारी जीवन ऐसे हो गए, बेचारी मैं विक्टिम, वी लिविंग लाइक अ विक्टिम इन लाइफ।
आप प्यार से बात करेंगे तो मैं हैप्पी। ये कलयुग है, कलयुग में हमारे हाथ कैसे हो चुके हैं, मतलब ये वाला हाथ कैसे हो गया, और सत्ययुग में कैसे होता है, देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, सत्ययुग के हाथ में ना डिवाइन, इसीलिए उनको कहते ही देवी देवता है। देवी देवता मतलब देने वाला, देने वाला। तो हम स्वास्तिक जब ड्रॉ करते हैं ना, चार भाग होते हैं स्वास्तिक में, सबने ड्रॉ किया ना स्वास्तिक, अभी फिगर लेकर आइए सामने, चार भाग हैं, चारों इक्वल होते हैं। और फिर हम कैसे बनाते हैं स्वास्तिक, पहले ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर 1, 2, 3, 4 हम बिंदी बनाते हैं चारों में, और चारों में बिंदी बनाने का भी एक ऑर्डर है। कौन से ऑर्डर में जाते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी बना देंगे, कौन से ऑर्डर में जाते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे आते हैं। अब स्वास्तिक को लेकर आइए सामने, अब ये चार हाथ हैं, पहला स्वास्तिक का हैंड कैसे है, ऐसे, मतलब हाथ कैसे है, ऐसे करिए, ऐसे हाथ ऐसे है ये, ओके। अब आप अपना हाथ साथ साथ चलिएगा, ये ऐसे वाला हाथ है, ओके, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट हाथ नीचे हो जाता है, ठीक है। थर्ड वाला हाथ ऐसे बनता है, ये वाला, और फोर्थ वाला हाथ ऐसे बनता है। तो कैसे गया, 1, 2, 3 एंड 4 सत्ययुग क्या कर रहे हैं, सत्ययुग क्या कर रहे हैं, देने वाली आत्मा है। त्रेता युग क्या हो गया, देना कम। द्वापर युग क्या हो गया, और कलयुग क्या हो गया, तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, इसके बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, इसके बाद कौन सा नेक्स्ट भाग कौन सा है, साइकिल है ना, उसको काल चक्र कहते हैं। टाइम इज साइक्लिक, रात के बाद सुबह आनी ही आनी है। तो सुबह दोपहर शाम रात साइकिल घूमता जा रहा है, स्प्रिंग समर ऑटम विंटर साइकिल घूमता जा रहा है। तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, साइकिल घूमता जा रहा है। तो अब कौन सा ट्रांजिशन है, ऐसे से ऐसा। तो सत्ययुगी आत्मा बनने के लिए सिर्फ इतना ही करना है, सारा दिन ऐसे से ऐसा वाला बनना है। तो हर्ट मुझे किसने किया, उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने कैसे सोचा, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या होगा। वो नहीं डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्या चलेगा, वो ये डिसाइड करेंगे कि बाहर क्या चलेगा। हम क्या डिसाइड करेंगे कि बाहर जो चलेगा उसके बारे में हम क्या सोचेंगे, वो डिसाइड करेगा कि अंदर क्या चलेगा। तो यहाँ की पावर किसके पास है, यहाँ की पावर किसके पास है, हमेशा पावर पता होनी चाहिए कि सिचुएशन की पावर क्या है, लोगों की पावर क्या है, और मेरी पावर क्या है। हम इसको बोलते हैं नॉट इन माय कंट्रोल, और फिर हम बाहर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो हमारे कंट्रोल में कौन है, ओनली माय माइंड, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ हियर। इसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं आ सकता। तो वोकैबुलरी चेंज करेंगे आज से, रेडी, आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, बिकॉज आई एम चूजिंग टू फील दैट वे, एंड इसको चेंज कौन करेगा, इसको चेंज कौन करेगा, आई, कितनी देर में, वो भी मेरी चॉइस है। अगर गुस्सा भी किया, इरिटेट भी हुए, तो अगर उस समय कहते हैं ना उसकी वजह से, आई गिव द पावर अवे, आई से इट्स बिकॉज ऑफ यू, एंड व्हेन आई से आई एम क्रिएटिंग इट, तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट, इट इज आई एम क्रिएटिंग इट। पावर किसके पास रही, मेरे पास। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू माई सेल्फ इज, कब तक बुरा लगा, कब तक रोना है, कब तक। और जब ये पावर अपने पास आई तो इमिजिएटली संस्कार क्या होने शुरू हो जाएंगे, संस्कार क्या होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी क्या करो, एक मिनट में वो लंबी लिस्ट जो पकड़ के रखी थी, दे हर्ट मी, दे इंसल्टेड मी, उस लिस्ट को क्या करें, थोड़ा सा क्या करें, क्या करें, सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके क्या करें, डिलीट। और सिर्फ किसने मुझे हर्ट किया, मैंने। और फॉरगिव किसको करना है, मुझे फॉरगिव किसको करना है। हम तो वो भी बोलते हैं, आई कैन नॉट फॉरगिव। चॉइस हमारी है,
ये याद रखना कि जितनी देर यहाँ किसी को पकड़ के रखेंगे, नुकसान किसके शरीर का हो रहा है, नुकसान किसके शरीर का हो रहा है। बहुत फास्ट गति से बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही है, और डॉक्टर कहते दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। हम कहते पर हम तो अच्छा खाना खाते हैं, फिर ये क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल मतलब लाइफ, ये लाइफ है। जब ये लाइफ निकल जाती है हम इसको डेड बॉडी बोलते हैं। ये लाइफ है, इसका स्टाइल कैसा है? सोचने का स्टाइल, बातों को पकड़ के रखना या बातों को लेट गो कर देना, किसी की निंदा करते रहना, किसी के बारे में बातें फैलाते रहना, या किसी की अप्रिशिएट करना और कुछ नहीं है तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ये है लाइफस्टाइल। तो जितना हम सोल की पावर को बढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन से होता है, तो लाइफस्टाइल अपने आप ही क्या हो जाएगा,